हापुड़ में दो दिन से हो रही बारिश और आने वाले समय में बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। तेज बारिश के चलते खादर क्षेत्र में जब पानी आ जाता है तो गांव से लेकर जंगल जलमग्न हो जाते हैं। ग्रामीण अपने पशुओं के लिए चारा भी अलग क्षेत्रों से लाकर उनका भरण पोषण करते हैं। एडीएम संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियां बनाई गई थी, साथ ही पीएसी की भी तैनाती की गई। बाढ़ के कारण गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के खादर में करीब एक दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी देखने को मिलता है, जिससे गांव प्रभावित होते हैं। 196.52 मीटर तक गढ़गंगा का जलस्तर पहुंच गया। बाढ़ से निपटने के लिए 5 बाढ़ चौकियां तैयार हैं, 9 सेलतार रोम से तैयार हैं। देखिए, आज जो ब्रजघाट में गंगा का जलस्तर है वो 196.52 मीटर है, जो कि अभी डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे है और अभी कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। इसके अलावा हमारी बाढ़ की 2 बैठकें हो चुकी हैं जिला स्तर पर सभी संबंधित विभागों से और हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। हमने 5 हमारी बाढ़ चौकियाँ हमारी जो कि रेडी हैं, इसके अलावा 9 हमारे शेल्टर होम्स जहाँ पर अगर कभी इवैक्यूएशन की स्थिति बनती है तो वो हमारे वो भी रेडी हैं। जागरूकता के लिए हम लोग अगले हफ्ते से जो ज़्यादा प्रभावित गांव होते हैं, हमारे 8 गांव जो बाढ़ से लोअर लेवल पे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन पे हम लोग बाढ़ चौपाल आयोजित करेंगे और उनमें लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर बाढ़ आती है तो, उसको हम लोग उनको जागरूक करेंगे। जी, उसके लिए ऑलरेडी जो है हम लोग मुनादी भी करवाते हैं और लोगों को मीडिया के माध्यम से भी और बैठक करके भी बार बार बताया जाता है कि ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं और कोई भी बात हो और कोई हो तो हम इमरजेंसी नंबर भी देते हैं और बाढ़ की कंट्रोल रूम भी बनता है, किसी को कोई समस्या हो तत्काल कॉल कर सकते हैं।